जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं, इसलिए भी मोटर व्लॉगिंग होने वाली है आज, और हम जाने वाले हैं आज राम पैड़ी की तरफ। और हम किस रास्ते से जाएंगे वो तो हम दिखाएंगे आपको। और वैसे मैं बता दूं आपको, हम जाने वाले हैं आज धारा रोड पे, और जो डेवलपमेंट है अयोध्या डेवलपमेंट के तहत जो धारा रोड पे इस समय डेवलप हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है, वो सब इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं और मोटर व्लॉग होने वाला है स्टार्ट। बिना किसी देरी के हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम आगे निकल चुके हैं और ब्लॉग में इसे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा वैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब से कंटिन्यू कर पूरी, मैं थोड़ा देर सबसे देर हो गई, मतलब यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, राम की पैड़ी तरफ, और नाइट में देखते हैं यहाँ पर राम पैड़ी का। मैं सोच रहा हूँ आपको नाइट का राम पैड़ी भी दिखाऊँ, मतलब नाइट में कैसा वहाँ का लाइटिंग वाइटिंग दिखाता हूँ मैं आपको। और उसके बाद चलते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड मोड़ गए हैं और आगे चल रहे हैं। और अभी हमने वैसे मैं एक लोकेशन बताऊँ आपको, बुद्धा पार्क पड़ेगा उसके बाद यहाँ से चलेंगे बुद्धा पार्क की तरफ। बुद्धा पार्क अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, वहाँ का भी थोड़ा दिखाऊंगा बुद्धा पार्क। हमने चलते हैं आगे, और एक लोकेशन ये है पानी की टंकी, देख सकते हैं यहाँ पे लगे ये देखिए बैंक हमारा आगे। मैं सबसे बड़ा खतरा इसी का लगता है, ये है छोटी जैसे भी तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पे पीपल का बरगद का पेड़ पड़ा है अभी इसमें। देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा व्यू है। बस जल्द ही हम पहुंचने वाले हैं बुद्धा पार्क की तरफ। बुद्धा पार्क से हम जल्द निकलेंगे थोड़ी देर में राम पैड़ी की तरफ, और वहाँ का भी नाइट थोड़ा व्यू दिखिए और वहाँ का भी दिखिए। यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब राम पैड़ी का व्यू बहुत अच्छा लगता है। रात में दूसरा की गई आपको इस ब्लॉग में वो भी दिखा दिया जाए। दोस्तों अभी हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से देखते हैं आप कुछ करते हैं। बैठ के तो अभी हम चलेंगे सबसे पहले बुद्धा पार्क और आपसे होते हुए राम पैड़ी। मैं सोच रहा था कि आपको बंदे से भी चलते हैं वहाँ से, और देख सकते हैं आप, मैं आपको कुछ लोकेशन देता हूँ। और यहाँ पे श्री शिरडी साई मंदिर है, ये जो है आप देख सकते हैं साई बाबा जी का मंदिर है। यहाँ भी मैं आपको एक दिन जरूर दिखाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे अंदर लेके चलूंगा साई बाबा जी के। खड़ा था वो है ये देख सकते हैं, बहुत गजब का आया है। तो अभी हम जस्ट राइट लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। सीधे चलते हैं और यहाँ से चलते हैं, देख सकते हैं। और जिस बगल से अगर चलते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट बंदे से चलते हैं। यार इस समय शाम के टाइम में तो बहुत ज्यादा तो अभी हम चलते हैं। देखिए एक तो बीच में तेरहा पड़ा है, और यहाँ से हम लेते हैं जस्ट लेफ्ट और लेफ्ट में मुड़ते हैं, उसके बाद हम चेक पहुँचेंगे। देख सकते और अभी यहाँ पे शोभा यात्रा निकली हुई है, हम दिखा देते हैं आपको। दोस्तों हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको शोभा यात्रा। दोस्तों आपको मैंने शोभा यात्रा दिखाई, और अभी मैं चल रहा हूँ आगे, आगे का भी दिखाता हूँ आपको। तो राम पैड़ी की तरफ पहुँचते हैं, वहाँ का भी दिखाते हैं हम आपको। यार अयोध्या की गलियों में आप पहुंच चुके हैं, अयोध्या की गलियों में ये
जैसे बनारस की गलियां, बनारस की गलियां तो बड़ी सक्रिय है भाई, मैं क्या मुझे बहुत मजा आता है। यहाँ की गलियों की बात करूँ, यहाँ गली अच्छी खासी चौड़ी है वैसे, गली तो नहीं कह सकते। और अच्छा मैं गली कहूँगा, अयोध्या की गलियों में आपको आज घुमा रहा हूँ और लेके चल रहा हूँ राम पैड़ी की तरफ। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ यहाँ से जस्ट लक्ष्मण किला है, और वो देखिए वो साइन बोर्ड में लिखा है लक्ष्मण किला, और जैसे ये सामने देख सकते हैं आप, इस साइड लक्ष्मण किला है। मैं लेके जाऊंगा आपको एक दिन वहाँ का भी पूरा दिखाऊंगा। तो इस ब्लॉग में हम चल रहे हैं, लेकिन मैंने बताया आपको राम पैड़ी का, आपको वहीं मिलने की सकता हूँ देख सकते। तो भाई और अभी जैसे देखिए यहाँ से हम मुड़ते हैं लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं फिर वहाँ से पहुँचते हैं, देख सकते हैं आप। अभी इसको मैं कह सकता हूँ अयोध्या की गलियाँ, देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे और धीरे धीरे मस्त एकदम। ये है अयोध्या की गलियाँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा है, प्यारी है अयोध्या की गलियाँ। दोस्तों ये देखिए बहुत बड़ी ढाल पड़ी है, तो मतलब बहुत नीचे, यहाँ से तो आराम आराम से आइए आप। और देख सकते हैं हम नीचे चलते हैं और आपको वहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बजरंग बली जी के दर्शन कराता हूँ। राम पैड़ी में पहुँचते हुए जैसे आप इस गली जाएंगे वहाँ पे बजरंग बली जी के दर्शन करेंगे। तो चलते हैं हम आगे और दिखाते हैं आपको। और ये देखिए ये है अयोध्या की गलियाँ, देख सकते हैं यहाँ पे। जय श्री राम। चलिए मुड़ चुके हैं हम आगे और अंदर के। ये देखिए दोस्तों ये है राम पैड़ी, और यहाँ पे भी इस समय का संगमर वर्क चल रहा है वो मैं दिखाता हूँ। पहले मैं थोड़ा बाइक लगा देता हूँ साइड में, और वहाँ पे फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो चलिए बाइक हम यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे का आपको पूरा दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं राम पैड़ी की तरफ, और मोटो ब्लॉगिंग तो यहीं एंड होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाइट का पूरा, यहाँ पे राम पैड़ी का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ मैं आपको। और आपको मैं बताऊँ, मैं राम पैड़ी पर आया, तो राम पैड़ी मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो छोटी सरयू हम कह सकते हैं, और यहाँ पे सब नहाते धोते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस समय ये पूरा बंद कर दिया गया था बैरिकेडिंग यहाँ पे, मतलब सिर्फ छोटे छोटे बच्चे नहा रहे थे, तो ये गहरा है, थोड़ा डूब भी गए थे कुछ बच्चे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इस समय बालू जम गई है, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जेसीबी जस्ट वहाँ पे खड़ी है और ये बालू हटाई जा रही है वहाँ पे, देख सकते हैं आप। और अभी वहाँ से जस्ट अभी खोल दिया गया है, और अभी हम आगे चलते हैं, आगे का भी पूरा दिखाते हैं आपको इस समय। और देख सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कितना गहरा है वो, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सरयू घाट की तरफ और राम पैड़ी की तरफ से, मतलब जस्ट हम सरयू घाट की तरफ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, देख सकते हैं, और देख सकते हैं वहाँ पे नाव चल रही है भाई, सब बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत मस्त लग रहा है। आप भी आइएगा यहाँ का, तो आप भी बोटिंग करिएगा, बहुत मज़ा आती है, देख सकते हैं आप। और मैं बताऊँ आपको मेरे पीछे का, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है सरयू रिवर, मतलब यहाँ पे सरयू घाट है ये, मैं अभी आया हूँ यहीं पे, और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये दिखाऊंगा, अभी थोड़ा रात हो जाना तब मैं आपको यहाँ की लाइटिंग दिखाता हूँ, वहाँ का कितना मस्त लाइटिंग की गई है वो सब मैं दिखाऊंगा आपको। और मैं दिखाता हूँ आपको डबल इंजन की सरकार, ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी डबल इंजन की सरकार, और देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे पीछे, देख लीजिए आप, आपको बहुत मज़ा आएगी भाई अयोध्या घूमने में। अयोध्या आइए तो एक बार सब घूमना है, वो सब तो घूमेंगे ही आप। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे आ चुके हैं, और मेरे पीछे का व्यू आप बहुत अच्छा है, देख सकते हैं पीछे, हाँ इस हाँ। और मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट पीछे वहाँ पे, देख सकते हैं मैं हाथ दिखाता हूँ, वहाँ पे सरयू आरती हो रही है, और मैंने आपको इससे पहले वाली व्लॉग में सरयू आरती, फुल सरयू आरती दिखाई है, बहुत गजब का सजा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया था। वैसे सरयू आरती तो बहुत अच्छी होती है भाई, आप भी आइएगा तो आप ज़रूर देखिएगा अयोध्या में शाम की सरयू आरती। और मैं आप देखो, मैं इस टाइम में नदी के थोड़ा तट पे आया था, तो मैं आपको पूरा इस साइड घुमाने वाला था, मैं दिखाने वाला था रात का पूरा, देख सकते हैं आप मेरे, और वो सब लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, और मेरे पीछे मैं दिखा देता हूँ आपको।
तो चलिए अभी बिना किसी देरी के हम आगे चलते हैं, घाट की तरफ भी चलेंगे और उसके बाद हम चलेंगे राम की पैड़ी की तरफ। और वहाँ का भी आपको नाइट का दिखाना था तो वहाँ का दिखाता हूँ, फिर चलता हूँ आगे, फिर देखते हैं कुछ मज़ा मिल जाए कुछ अच्छा कंटेंट तो फिर वहाँ का भी शूट करते हैं, वहाँ का देखते हैं। चलें चलते हैं। तो दोस्तों आज इस मोटो ब्लॉग और राम पैड़ी का जो मैं आपको नाइट व्यू दिखाने वाला था वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने इस ब्लॉग में क्या क्या दिखाया वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैंने आपको दिखाया जो धारा रोड का डेवलपमेंट है वो चीज़ मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया। उसके बाद मैं लेके गया आपको सरयू तट के उस साइड में, मतलब साइड में लेके गया किनारे किनारे तरफ, वो मैंने दिखाया। और यहाँ पर अभी मैं रात का आपके साथ यहाँ का राम पैड़ी का व्यू शेयर किया आपको। और व्यू आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्यू बहुत अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण।